हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम एक नए इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। एक इंजेक्शन की अपनी जो सीरीज़ है, इंजेक्शन का जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आज एक इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन की बात करने वाले हैं। लाइफ सेविंग ऐसा इंजेक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है आईसीयू में, और जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े आईसीयू में इसका यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन एड्रेनालिन, ऐसा इस इंजेक्शन का नाम है। इसका पिक्चर मैं वीडियो के ऊपर डाल दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है एड्रेनालिन, ये 1 ml का एम्पुल होता है फ्रेंड्स, और ये पूरा 1 ml जो है पेशेंट को दिया जाता है फ्रेंड्स, और ये IV भी दिया जाता है, सबक्यूटेनस भी दिया जाता है, और इंट्रामस्कुलर भी ये दिया जाता है फ्रेंड्स। इसका यूज़ क्या है फ्रेंड्स, इसके 1 ml में 1 mg इतना कंटेंट है फ्रेंड्स, और इसका यूज़ है इन कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों, आपको कार्डियक अरेस्ट क्या है ये पहले मालूम होना चाहिए। जब हमारा हार्ट बीट करता है और वो अचानक बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक आना एक अलग चीज़ है और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। हार्ट अटैक में एक हार्ट का जो पार्ट है वो डैमेज होता है, बट कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट चल रहा है वो टोटली बंद हो जाता है फ्रेंड्स। और उस कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम ये इंजेक्शन एड्रेनालिन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जब हमारा हार्ट बंद होता है फ्रेंड्स, जब वो बीटिंग बंद करता है, तब ये हम एड्रेनालिन देते हैं। उस टाइम पर हार्ट में जो है फ्रेंड्स, चार प्रकार के रिदम्स चालू होते हैं। एक है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और पल्सलेस रिक्टिकल एक्टिविटी, और स्ट्रेट लाइन जिसको हम असिस्टोल कहते हैं। उस कंडीशंस में ये एड्रेनालिन दिया जाता है फ्रेंड्स। अब जब पेशेंट हॉस्पिटल या आईसीयू में होता है, तो जब हम उसे शॉक देते हैं, तो आफ्टर सेकेंड शॉक ये इंजेक्शन दिया जाता है। बट जब पेशेंट हॉस्पिटल में, आईसीयू में नहीं, हॉस्पिटल में होता है, और जब शॉक वगैरह पेशेंट को पता नहीं होता, या फिर असिस्टोल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रहती है, उसमें दो मिनट को, आफ्टर 2 मिनट ये इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। इंजेक्शन एड्रेनालिन को आफ्टर 2 मिनट, एवरी 2 मिनट को रिपीट किया जाता है 1 ampoule। तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक अरेस्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और एक ऐसा फैक्ट है फ्रेंड्स कि कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनालिन और एट्रोपिन, दूसरा जो इंजेक्शन एट्रोपिन, उसका भी यूज़ होता है। बट नो, कार्डियक अरेस्ट में एट्रोपिन का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली एड्रेनालिन। दोस्तों, एड्रेनालिन का और एक दूसरा रोल, दूसरा यूज़ था फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ। इसका एक दूसरा जो यूज़ है वो है एनाफिलैटिक रिएक्शन। जब आपको किसी टैबलेट, किसी इंजेक्शन या किसी IV का सीवियर रिएक्शन आता है, और दूसरे इंजेक्शन से वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज नहीं होता, उस टाइम पे जो है हम एड्रेनालिन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और एक इसका यूज़ पहले के टाइम पे था, जब स्टेथस एस्थमेटिक्स, एस्थमेटिक का बड़ा अटैक आता है, उस टाइम पे एड्रेनालिन जो है कमर में दिया जाता था या हाथ में दिया जाता था। बट अभी उसका यूज़ जो है फ्रेंड्स बंद हुआ है। तो होप दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन एड्रेनालिन इंजेक्शन का आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो आपके कमेंट्स, हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको इसके ऊपर ज़रूर उसके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद और एक इंजेक्शन का वीडियो मैं बनाऊँगा, वो रहेगा इंजेक्शन एट्रोपिन। थैंक यू वेरी मच।